वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और ऐसे सीजन में हमारे अंदर एनर्जी बहुत ही आ जाती है और मौसम भी शरद ऋतु दस्तक दे चुकी है और ऐसे मौसम में अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे विचार अगर सकारात्मक होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा और शरीर में जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होगा। तो डाइजेशन के लिए भी ये मौसम जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है और सकारात्मक सोच उसमें सोने पर सुहागा के रूप में काम करेगा। तो विचारों को इस तरह से कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उसे लेकर जो सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं कि 5 सालों से हम लोग भारत भर के लोगों को चाह रहे हैं कि वो लोग अगर सकारात्मक होते हैं तो सभी के अपने अपने परिवारों में सकारात्मकता आएगी और उसके चलते जो एक नकारात्मकता से लड़ाई झगड़े मन भी काफ़ी प्रदूषित हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया मंत्र जो है राम जानकी संस्थान आरजेएस की जो टीम है उनको मिला और उसे लेकर हम लोग कई राज्यों के भी लोग जुड़े और वहाँ पे सकारात्मक बैठकें शुरू हुई। सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक बैठकों से भारत निर्माण, इसी को लेकर हम लोगों ने 134 फिजिकल बैठकें की। पूरे भारत के लोगों में जो जागृति आई इन चीज़ों से, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया हम लोगों के साथ था। कई मीडिया संस्थान आरजीएस से जुड़ गए और आज सभी को याद करने का दिन है। हमारे कई साथी कोरोना योद्धा जो हैं या फिर किसी मामले में जेलों में भी बंद हैं और इसे लेकर हम लोगों को पीड़ा बहुत होती है और आज उन सब चीज़ों पर वार्तालाप हम लोग करेंगे कि ये जो चौथा खंभा है उसकी स्थिति कैसी है और इसकी तरफ ध्यान जो तीनों खंभे हैं वो अपने आप चल रहे हैं, लेकिन भारत मजबूत कैसे होगा जब चारों खंभा मजबूत होंगे? क्योंकि एक खंभा भी कमज़ोर होगा तो आप जानते हैं कि कोई भी मकान की नींव कमज़ोर हो जाती है। तो भारत की कमज़ोरी और विकास नहीं होने का रास्ता या जो मन में नकारात्मकता जो फैली है जनता की, उसकी सबसे मूल वजह है कि एक खंभा बहुत ही कमज़ोरतर होता चला गया आज़ादी के बाद से। और ऐसा लगता है, लोग टिप्पणी करते हैं कि आज़ादी के बाद लोगों को ऐसा लगा कि जो देश है आज़ाद हो गया, अब हम लोगों को कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। और पत्रकारों ने नेताओं को या प्रशासन को स्टार की तरह प्रस्तुत करना शुरू कर दिया उन लोगों, क्योंकि देश में खुशहाली थी, लोग खुश थे, तो एक स्टार की तरह वो उभरते गए और सारे पावर अपने समाहित करते गए। लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मतलब ही हो गया तीन खंभे। चौथा खंभा की तरफ न तो जनता का ध्यान गया और न तो शासन प्रशासन और सत्ता का, न तो राजनीतिक दलों का, कभी कोई ऐसी चर्चा नहीं होती है। और ये जो दुख की घड़ी है इसमें प्रेस दिवस पे कितनी बधाइयां लोग स्वीकार करेंगे, मैं फेसबुक स्टडी कर रहा था, उसमें ऐसा कुछ चीज नहीं है। और कोरोना के चलते वैसे भी दुखी हैं, सबसे ज्यादा अगर मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग वगैरह प्रभावित रहा है, किसान वगैरह प्रभावित रहेंगे, असंगठित क्षेत्र जो है, ये पत्रकारिता का जो है चौथा खंभा जो है असंगठित क्षेत्र में आता है। श्रमिक उसे कहा जाता है, वो श्रमिक मजदूर के रूप में है, ये जानना बहुत जरूरी है कि श्रमिक वर्ग में आते हैं पत्रकार, श्रमिक है पत्रकार, श्रमजीवी होता है। इनके वेलफेयर के लिए संसद और विधानसभाओं में क्यों नहीं तेजी से काम किया गया आज तक? 2020 में इस चीज को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है एक आवाज के रूप में उठाना चाहता है, बताना चाहता है कि इसीलिए सकारात्मक पत्रकारिता पर हम लोगों का सदा जोर होता है, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता से ही यह देश विकास हो सकता है, स्वयं पत्रकारों का भी विकास हो सकता है। ये प्रोफेसर केजी सुरेश जी की वीडियो जो फेसबुक लाइव में आई थी उसको यूट्यूब पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने लगाकर और सुनाया था, उन्होंने कहा था, प्रोफेसर केजी सुरेश जो है कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के, एमसीयू के
और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से ही देश का और स्वयं पत्रकारों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि बिना सकारात्मक पत्रकारिता के किस कई तरह के सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए, हम सभी जितने भी जनता जनार्दन को भी सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जब उसी चीज़ को विज्ञान की तरह जो है वरदान भी है विज्ञान और अभिशाप भी है, उसी तरह से जो सोशल मीडिया के न्यूज़ कास्टर्स हैं और जो पत्रकार हैं, इन सबों को मिलजुल कर इसी चीज के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत महसूस हुई 5 साल पहले, और तब से लेकर हम लोग जो है लगातार इन चीजों को लोगों के दिमाग में, क्योंकि सकारात्मक सोच जो है वो अपने आप में एक बहुत बेहतर मंत्र है, मूल मंत्र है, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का मंत्र है। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है। और आप हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देखिए सुनिए ये आरजीएस का जो राष्ट्रीय सॉन्ग है ये किस तरह की बातें करता है, आप सुनकर विचार कीजिए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाओ, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहां तो सरकारों को जगाने का ये राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत है, और यही राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने शुरू किया, और लगातार जो है जैसी समय काल और परिस्थिति होती है हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो जनता तक लेकर जाएं, और इसीलिए बच्चे भी आते हैं उस कार्यक्रम में, और हम लोग देशभक्ति के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, बातें करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि सभी पत्रकार भाई बहन साथियों को भाई दूज और प्रेस दिवस 2020 16 नवंबर की हार्दिक बधाई, आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया को। मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस सकारात्मक पत्रकारिता सकारात्मक भारत निर्माण, ये हम सबों का, ये भारतीय परिवारों का आंदोलन है। और आप जानते हैं कि पत्रकार दिवस पे बधाइयाँ शुरू हो जाती हैं सरकारों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों के लोग, बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो बधाइयाँ देते हैं पत्रकार दिवस पे, लेकिन बधाइयों के साथ साथ पत्रकारों के लिए नई नई घोषणाएं होने का भी दिन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आइए डॉक्टर हर्षवर्धन, एक स्वतंत्र प्रेस, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने एक मैसेज पोस्ट किया है, एक स्वतंत्र प्रेस एक जीवंत लोकतंत्र की नींव है, प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही राष्ट्र की संप्रभुता बनती है, समर्थ राष्ट्र निर्माण के पवित्र कार्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर। डॉक्टर हर्षवर्धन की ये पोस्ट है, इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से इस तरह की चीजों से मनोबल बढ़ता है कि सबके ध्यान में प्रेस दिवस आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मीडिया से जुड़े सभी मित्रों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक परिपक्व, सशक्त एवं जिम्मेदार लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का मीडिया लोकतंत्र एवं राष्ट्र निर्माण की इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करता है। मुझे विश्वास है कि आगामी समय में भी हमारा मीडिया अपनी जिम्मेदारियां को बेहतरीन तरीके से निभाता रहेगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक पे आप सभी मंत्री जुड़े हुए हैं, इसलिए यह बड़ी आसानी हो जाती है कि आपका संदेश सीधा हम लोगों तक पहुंचता है, ताकि आपका सीधा बिना काट छांट के, ये सोशल मीडिया का ही कमाल है, क्योंकि फेसबुक पे आप सभी मंत्री जो हैं वो जुड़े हुए हैं।
राष्ट्रपति जी का भी पोस्ट आता है और प्रधानमंत्री जी का भी आता है, सीधा आता है, इसलिए बिना लाग लपेट के इन बातों को हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो उन्होंने लिखा वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो विश्व प्रेस जो है वो उसके अलग कुछ नियम हैं, लेकिन भारत में कई नियम जो हैं वो लागू नहीं होते हैं और इसे लेकर जागरूकता की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो प्रेस दिवस है उसे लेकर हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी और परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुई और 16 नवंबर 1966 से ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता रहा है, 1966 से लेकर आज तक मनाया जाता है और खूब बधाइयाँ आती हैं। लेकिन मैंने बहुत कम देखा फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो इस साल बधाइयाँ उस तरह की नहीं हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमारे बहुत से साथी जो हैं वो अलविदा कह गए। हम लोग यहाँ पे कुछ साथियों के बारे में शेयर भी किया। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पत्रकारों की देश भर में कोई भी लिस्ट नहीं है, कितने पत्रकार दिवंगत हो गए, किसी के पास लिस्ट नहीं है। चौथा स्तंभ में काम करने वाले लोगों का कोई भी लिस्ट नहीं है, कोई भी मंत्रालय जो है इसके लिए आगे नहीं आया आज तक। पत्रकार है कौन, किसे पत्रकार, मानक पत्रकार, आप किसी को भी सिटीजन पत्रकारिता आप समझिए कि इस तरह की व्यवस्था हो गई है, कोई भी पत्रकार बनकर काम करना। एक जमाना था जब ये डिग्रियां नहीं होती थी या फिर कोई किसी के संरक्षण में स्वयं भी पत्रकार बनते थे, उस जमाने में उस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि अब जितने भी, मैं नवोदित पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि अब शिक्षण प्रशिक्षण जो लोग भी पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं वो सबसे पहला ध्यान लें, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लेने की व्यवस्था रखें, क्योंकि आगे चलकर आपको आगे अगर बढ़ना है तो हर जगह आपको हर संस्थान मांगेगा कि आपने कहीं से कोई मास कम्युनिकेशन किया है नहीं किया है। एटलीस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीना 2 साल इस तरह के कोर्सेज, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह मैं प्रेस दिवस पे आप सभी से आग्रह करूंगा, क्योंकि स्वयं आप पत्रकारिता कीजिए लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा। एक जमाने में पत्रकारिता के लिए कोई डिग्री का व्यवस्था नहीं थी, तो एक जमाने में डॉक्टर के लिए MBBS की डिग्री भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो वैद्य थे, डॉक्टर थे, सारा काम करते थे, कोई कानून उन पे लागू नहीं होता था। लेकिन आने वाले दिनों में इस चीज की जाएगी कभी ना कभी, क्योंकि अभी देखिए सरकार ने जो नियमन लाया है उसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल कर लिया गया है, ये खुशी की बात है। और इसकी लड़ाई जो है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध पहला संगठन है पत्रकारों का, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उसके राष्ट्रीय महासचिव का ये वीडियो आप लोगों तक साझा करते हैं। नरेंद्र भंडारी, राष्ट्रीय महासचिव, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों का शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं IPPCA मीडिया के नाम से 210 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूँ, मैं मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मीडिया से रिलेटेड ये सारे ग्रुप। दोस्तों, हमारी पत्रकारों की जो ट्रेड यूनियन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन है, वेरी फर्स्ट ट्रेड यूनियन, जो कि भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ BMS का नाम आपने सुना ही होगा, BMS इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है कामगारों की, श्रमिकों की, और वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उससे दोस्तों हमारी यूनियन एफिलिएटेड है। हमारी यूनियन का गठन 16 जनवरी 2017 को हुआ था। दोस्तों, तब से हम लोग जो है लगातार पत्रकारों की आवाज उठा रहे हैं,
आज दोस्तों 16 नवंबर है, प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इसकी भी आपको शुभकामनाएं। दोस्तों हम लोगों को पत्रकारों की मांगों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है और लड़ाई बड़ी सफलतापूर्वक लड़ी है। वो इसलिए कि पहले हम लोग जो है ज्ञापन देते हैं और बातचीत करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, सब कुछ जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर सड़कों पर आते हैं। और ऐसा देखने में आया कि सड़कों पर आते हैं, ज्ञापन देते हैं तो रास्ते जो है निकल ही आते हैं। एक बहुत सफलता जो हमें जो एक बड़ी सफलता मिली है वो एक डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों हम लोग लगातार डिजिटल मीडिया को मान्यता देने की मांग कर रहे थे। जब हम लोग ये मांग करते थे तो कई पत्रकार संगठन उसका विरोध भी करते थे कि डिजिटल मीडिया के कोई पत्रकार थोड़ी होते हैं, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज ये केंद्र सरकार ने अभी पास कर दी है और डिजिटल मीडिया को INV मिनिस्ट्री के अंडर डाल दिया है। INV मिनिस्ट्री अब जो इसके जल्दी इसके नॉर्म्स जो लागू करेगी और डिजिटल मीडिया को सरकार की तरफ से एक जो नीति बन रही है अभी उस नीति के तहत उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। एक बहुत बड़ी सफलता दोस्तों, इसको लेकर हम लोगों ने कई ढेरों कार्यक्रम किए। हम लोग हर साल पिछले कई सालों से 25 अगस्त को डिजिटल मीडिया डे के रूप में मना रहे हैं। उस दिन बड़े कार्यक्रम करते हैं, देश भर में कार्यक्रम भी होते हैं और 150 के करीब डिजिटल मीडिया के 150 पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं। तो दोस्तों एक ये हम लोगों की एक लड़ाई लड़नी पड़ी है। एक अब आगे जो लड़ाई हम लोगों ने दोस्तों शुरू की है वो है ई पेपर। हम लोग चाहते हैं कि भाई ई पेपर को भी मान्यता मिले। विदेशों में मान्यता है दोस्तों, विदेशों में उनको ज्ञापन भी है, सारे सारी फैसिलिटीज है ई पेपर वालों को, हिंदुस्तान में नहीं है। अब ये कोरोना का जो महामारी आई है उस दिन तब उस महामारी के दौरान ऐसा देखने में आया कि प्रिंट मीडिया काफी कमजोर हुआ और लोगों ने जो डिजिटल पेपर ई पेपर निकालने शुरू कर दिए जो कि प्रिंट पेपर निकाल रहे थे। अब उसी का अब हम लोगों को भी लग रहा है कि अब जो है जमाना ई पेपर का जमाना आ गया, क्योंकि सारा कुछ तो मोबाइल पर है दोस्तों, सारी चीजें मोबाइल पर है। आजकल तो न्यूज़पेपर कम ही लोग पढ़ते हैं। जो पहले पुराना टाइम था तो लोग सुबह उठते अखबार का इंतजार करते थे, अब नहीं, अब मोबाइल का इंतजार करते हैं कब मोबाइल हाथ में आएगा, जो चीज उनको उनको चाहिए वो उसमें देख लेते हैं। बच्चे तो खैर आजकल देखते ही मोबाइल है, जमाना मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पर जो मर्जी चाहो देख सकते हो आप जो है। दोस्तों ई पेपर हम लोग जो है, और इसके अलावा दोस्तों आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हम लोगों ने एक अभियान भी शुरू किया है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से डिजिटल मीडिया को, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथियों को जो है श्रमजीवी पत्रकार माना है, हम लोग जो है उनको आज अपील करते हैं पत्रकार साथियों को कि आप लोग अपने विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, आई कार्ड बनवाते हैं, गाड़ी अपने व्हीकल्स जो है उन पर प्रेस लिखा होता है, तो ये आपसे निवेदन है कि उसका बहिष्कार करें, प्रेस मत लिखें, क्योंकि प्रेस बहुत पुराना शब्द है और इसका बड़ा मिसयूज भी हो रहा है इस प्रेस शब्द का। ऐसा देखने में है कि भाई जो कपड़े प्रेस करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी हैं, वो भी अपने वाहनों पर प्रेस लिखा हो, उनको भी उनको लगता है कि प्रेस लिखा होगा तो पुलिस उनके चालान नहीं करेगी। पर ऐसा दोस्तों ये चीज गलत है। एक तो खैर हम लोगों को जो सरकारी नॉर्म्स है वो फॉलो करने हैं और आप लोग अपने विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड और अपने वाहनों पर अब आप लोग मीडिया लिखें। सारा आपसे निवेदन है कि अपने वाहनों पर मीडिया लिखें। दोस्तों आप लोगों के लिए हम लोग संघर्ष लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी भी शुरुआत हो गई है दिल्ली के लिए भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है, जिसकी जल्दी हम लोग जो घोषणा करने वाले हैं। हम लोगों के 2-3 जो अभियान जो चल रहे हैं, एक हम लोगों ने दिल्ली NCR डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी तैयार की है अभी, जो अभी लॉन्च होनी है, एक डेढ़ महीने में लॉन्च करेंगे दिल्ली NCR डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी। दोस्तों बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव मीडिया डायरेक्टरी होगी ये। दिल्ली NCR जो मीडिया हब है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीडिया हब है, उसमें हम लोगों के लिए सारे पत्रकारों की डिटेल होगी। आप मोबाइल पर जाएंगे, वॉइस सर्च करेंगे, किसी भी जर्नलिस्ट का नाम लेंगे, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी मोबाइल के अंदर। दूसरा दोस्तों हम NMPR की बात कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पर्सन रजिस्टर। आमतौर पर जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो उनके पूरी डिटेल, पत्रकारों की पूरी डिटेल वहां के राज्य सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो, तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो अपने राज्य स्तर पर इस तरह की जो है दिल्ली जर्नलिस्ट अपना रिपोर्टर्स की जो है वो एक डायरेक्टरी तैयार हो रही है हम लोगों की। वो अलग एक चीज है, रजिस्टर जिसको बोल रहे हैं, वो रजिस्टर हम लोग जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को देंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल को देंगे। इस तरह हमारी सारी स्टेटों में ये सारी गतिविधियां दोस्तों चल रही हैं। हम लोग भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी
वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े। हम लोग बहुत जल्दी इसकी मेंबरशिप खोल रहे हैं। इसकी मेंबरशिप के लिए आपको ऑनलाइन सारी डिटेल मिलेगी। इसकी जल्दी हम लोग आपकी इसकी सूचना आपको दी जाएगी। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आपको जो शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। नरेंद्र भंडारी, भारत माता की जय। यहाँ तो इस तरह से कुछ नई घोषणाएं भी प्रेस को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के महासचिव नरेंद्र भंडारी ने की है, और इसी तरह की चीजें हम लोग लाते रहेंगे आप लोगों के सामने, और आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस डे है। बहुत से पत्रकार साथी भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों की बातें अगर इसमें आ जाती हैं तो उससे एक माहौल बनता है और दबाव भी बनता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना होगा कि पत्रकारिता को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। ब्लैकमेलिंग का हो जाता है, या फिर स्क्रिप्टेड पत्रकारिता हो जाती है, या नकारात्मक पत्रकारिता कहें उसे, फेक न्यूज़ को लेकर भी बहुत सवाल, या सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें। देखिए, हम लोगों को नैतिक रूप से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता का जो जीवन काल है वो कोई एक दो साल का नहीं होता है। एक पत्रकार की अपनी एक इमेज होती है और उसको साख कह सकते हैं। अगर साख नहीं है तो पत्रकारिता नहीं है। पक्षकार होना किस एक गुनाह है, यह बहुत ही पवित्र पेशा है, और अगर पक्षकार हो गए तो फिर कुछ नहीं रह गया, और फिर कई सालों का यह जीवन होता है। पत्रकारिता कोई एक दो साल की नहीं होती है कि आप आए कुछ भी करें और चलते बने, नहीं। इसमें 20 साल, 30 साल, 40 साल पत्रकारिता में टिकना पड़ता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी इमेज जो है वो पत्रकार की ही बनाकर रखें, पक्षकार की ना बनाएं, और जो सच है, तथ्य है, तथ्य पर आधारित पत्रकारिता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सच है वो सच है, सत्य में वो जयते, ये है प्रेस दिवस पे सब लोगों को संदेश। लेकिन सत्ता और प्रशासन भी कान खोलकर ये बात को सुन ले कि अगर देश में तरक्की चाहते हैं तो चौथे खंभे को मजबूत बनाने की तरफ आप लोग आगे बढ़िए, ताकि नेताओं के पीछे या प्रशासन के पीछे पत्रकारों को न भागना पड़े। आखिर वो भागते हैं अगर, तो क्या वो अकेले दोषी हैं? व्यवस्था दोषी है। इस व्यवस्था को बनाने की तरफ कौन आगे बढ़ रहा है? राज्य सरकारों से पूछ लीजिए आप, केंद्र सरकार से पूछ लीजिए आप कि इस तरफ कौन आगे बढ़ रहा है। हां, बहुत दिनों के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुध ली है। तमाम सोशल मीडिया जब सर से पानी ऊपर बहने लगा इतने, तब जाके अब जो है सरकार ने एक अच्छी और खुशखबरी दी है कि वो सभी पत्रकार जो हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कोरोना काल में किसी तरह से काम किया उन्होंने, लेकिन उनको नेताओं के पीछे ना भागना पड़े, उनको पक्षकार ना बनना पड़े, इसकी व्यवस्था करने की सख्त आवश्यकता है। और सकारात्मक पत्रकारिता के बिना देश का भविष्य नहीं हो सकता है, स्वयं पत्रकारों का भविष्य नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों पक्षों की बात है, सरकार, सत्ता, और फिर पत्रकार, उनको भी सोचना पड़ेगा कि दोनों तरफ से जब कदम बढ़ाए जाएंगे तब जाके ये होगा, नहीं तो पत्रकार मजबूर होकर पक्षकार बनेगा और फिर क्या नुकसान होगा? फिर जनता का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जनता भी पत्रकारों को सहयोग करे, समर्थन दे, इज्जत दे, आत्मसम्मान दे। आज आत्म का जो है यही छोड़कर आत्मसम्मान नहीं है समाज में, और इसको बनाने की जरूरत है, और वो हम सभी मिलकर व्यवस्था को बना सकते हैं। इसीलिए प्रेस डे मनाने का एक सार्थक प्रयास हो सकता है कि अगर हमारी सोच अगर सकारात्मक हो गई, और इसे आप अगर शेयर करते हैं, इसमें जो बातें आई हैं, हम अच्छी बातों को शेयर कितना करते हैं, ये चैलेंज है हमारे अपने लिए। अपने दिल से पूछें कि अच्छी बातें जहां पे हो रही हैं, जिससे देश का निर्माण हो सकता है, जिससे भारत विकसित बन सकता है, भारत दुनिया में काम कर सकता है, उस जो नए पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है वो उसके मन में भी स्वच्छता आए, क्योंकि नकारात्मकता तो पूरे भारत में आप देखिए कितनी नकारात्मकता है, संदेह है, एक दूसरे पर संदेह करते हैं। एक जमाने में जब आप एड्रेस पूछते थे किसी का, कहीं भी शहर हो, आप कहीं कहीं आपको नेगेटिविटी मिलती है और कहीं कहीं अच्छा भी मिलता है। लेकिन हमें जो अच्छी सोच है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और पत्रकारों को ज्यादा दबाने से तो ये देश विकसित नहीं हो सकता है।
एक कार्टून साझा किया गया है। इस कार्टून में कहा गया है कि बस बस और कितना प्रेस करोगे, मीडिया को प्रेस किया जा रहा है, हाथ में न्यूज का कैमरा है, नेशनल प्रेस डे, ये व्यंग है, ये है। इस दिवस को मनाने का मतलब इन बातों को उठाने का है कि क्या कहीं ऐसा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो उसे जनता और सरकार मिलकर चौथे खंभे को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ें। ये चीजें आप लोगों को बतानी थी और हमने वो पहुंचाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)(k) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रेस को संविधान का चौथा खंभा भी कहा जाता है। प्रेस को उतना ही अधिकार है जितना आम जनता को है। प्रेस को अलग से कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। अच्छी बात है, अनियंत्रित ना हो, स्वच्छंद पत्रकारिता ना हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हर आदमी अपने आप को पत्रकार नहीं कह सकता है। यह अंग्रेज इंग्लैंड का भी संविधान लिखित नहीं है, लेकिन क्या वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं चलती है? एक परंपरा होती है, पत्रकार कहलाने का हकदार वही है जो पत्रकारिता फील्ड में है, जो जनता के जन सरोकार के मुद्दे को उठाता है, जिसकी रोजी रोटी पत्रकारिता से चलती है। पत्रकार वो है। इसीलिए अब चूंकि डिग्री देने की व्यवस्था अब हो गई है, इसीलिए मैंने तमाम YouTube के साथियों को, जिनकी उम्र है, वो लोग कहीं ना कहीं से डिग्री लेकर इस फील्ड में आए, जो भी नवोदित पत्रकार पत्रकारिता करना चाहते हैं, आज प्रेस डे पे उन सभी लोगों को इस बात की, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है पत्रकारिता। आपने टेलीविजन पे देख लिया टाई वगैरह ये लगाकर, और तो एंकर जो होते हैं, और वो गुमराह होना होता है, युवा पीढ़ी गुमराह हो सकती है, उससे बचने की जरूरत है। आपके अंदर अगर समाज सेवा का गुण है, आप सोशल एक्टिविस्ट की तरह सोचते हैं, आप जन सरोकार के मुद्दों को जानना चाहते हैं, उसको समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तब पत्रकारिता फील्ड में आइए। अपने शब्दों से आप किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, तब पत्रकारिता फील्ड में आइए, स्वागत है। और नहीं तो बहुत ही संघर्ष है, आमदनी का कोई अच्छा जरिया पत्रकारिता में नहीं है। ये सभी बुद्धिजीवी पत्रकार इस बात को कह गए, आमदनी का जरिया नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े अखबारों के पत्रकारों को भी बहुत कम सैलरी में काम करना पड़ता है। मजबूरी यहां पर है, सच्चाई ये है, और इस सच्चाई को दिखाने के बाद हर मीडिया संस्थान जो है वो कई बार तो वो मानते भी नहीं कि हमारे यहां काम करते थे। कई बार कई पत्रकारों की डेथ हो जाती है तो समाज सेवी के रूप में अखबार में खबर आ जाती है। इन सब तमाम चीजों से लोगों को बड़ी आपत्ति है। और दीपक स्मिता श्रीवास्तव ने एक पोस्ट साझा किया है, वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि नेताओं द्वारा पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बधाई तो दी जा रही है, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता से अपने जिम्मेदारी को निभाने की आजादी समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार उनसे छीन ली जाती है। पत्रकारों के खिलाफ होती हिंसा, हत्याएं और हमले हर साल सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार प्रेस को राष्ट्र की नींव कहती है, चौथा खंभा, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बहुत जबरदस्त मुद्दा है, पत्रकार सुरक्षा का कोई कानून नहीं है। इस साल भी पत्रकारिता करने के दौरान कई पत्रकारों पर गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया गया है। क्या इसे ही प्रेस की आजादी कहा जाता है, जिसकी सरकार आज बधाई दे रही है? प्रेस द्वारा सत्ता के खिलाफ उठाई हर आवाज को झूठे मामलों में लपेटकर दरकिनार कर दिया जाता है, जहां सच्ची पत्रकारिता का मोल हर पत्रकार को मौत से भी चुकाना पड़ता है। तो बहुत ही चैलेंज है, क्योंकि आप सरकार के जो योजनाएं हैं उसके बारे में तो जनता को बताइए, लेकिन सरकार जैसा चाहती है वैसा ही पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो फिर तो वो पक्षकार का काम हो गया, और पक्षकार को जनता नकार देती है। तो इस तरह की लॉबिंग और सेटिंग जो है वो पत्रकारिता निश्चित रूप से नहीं कही जाएगी, क्योंकि देश हित में और जन सरोकार की पत्रकारिता सत्य हो, तथ्य आधारित हो, ये दिमाग में रखकर पत्रकारिता के फील्ड में अगर उतरा जाए तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की जो है महत्ता जो है समझ में आती है, और जनता जो है वो सम्मान की दृष्टि से भी पत्रकारों को देखे, इसके लिए भी
जागरूकता की जरूरी है, समाज को भी जागना चाहिए। आरजे स्टार किसान पुत्र भानु प्रताप सिंह ने एक जानकारी दी है। आप जानते हैं कि बिहार में आज मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ ले ली है और मुख्यमंत्री कार्यालय से ये पोस्ट आया है, तो आप तक साझा करते हैं। उसके बाद भानु प्रताप सिंह की एक न्यूज़ है जिसे राकेश कुमार तिवारी, जो भोजपुर बिहार के पत्रकार हैं, उन्होंने बनाई है, वो आप तक साझा करते हैं। श्री नीतीश कुमार ने सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल श्री फागू चौहान ने राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह 4:30 बजे अपराह्न में आज आयोजित किया गया। मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वालों में श्री तार किशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री अशोक चौधरी, श्री मेवालाल चौधरी, श्री अशोक चौधरी, श्री मेवालाल चौधरी, श्रीमती शीला कुमारी, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री मुकेश साहनी, श्री मंगल पांडे, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, श्री जीवेश कुमार एवं श्री राम सूरत कुमार शामिल है। मंत्री के रूप में ये इन्होंने शपथ लिया है। और शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, बिहार विधानसभा परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य तमाम गणमान्य लोग जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आरजे स्टार, चूंकि जो आरजेस लग जाता है वो अपनी फैमिली का है, अपनी फैमिली को की बातें तो आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ये आप जानते ही हैं। 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई चीज भेजते हैं कोई, तो राकेश कुमार तिवारी फेसबुक लाइव में भी जुड़ते हैं, भानु प्रताप जी भी जुड़ते हैं, और राष्ट्रीय आरजेस का जो वेबिनार हुआ, एक दर्जन वेबिनार हुए, उसमें भी ये लोग जुड़े थे। और इनकी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है, सरकार तो बन गई, ये 19 लाख रोजगार देने वाली सरकार बनी है, 10 लाख नौकरी देने वाली सरकार नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, बिहार के दोनों हाथ में लड्डू थे, ये हम लोगों ने पहले भी चुनाव से पहले बताया था। अब 19 लाख रोजगार के पीछे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लग गई है, ऐसी कोई भी बात होगी वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और शायद उसी की कड़ी में अब जन जागृति जो है वो शुरू हो गई है। बिहार में आत्मा कोई संस्था है, वो ऐसा काम भी करती है, पहले से करती रही है, लेकिन अब जोर और शोर जो है रोजगार पर होने जा रहा है। आखिर रोजगार बिहार सरकार किस दिशा में देगी? क्या पकोड़े तलने वाला ही रोजगार बिहार में चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ गलियों में पकोड़े तलो रोजगार पाओ, ये अभियान चलेगा या कुछ और चलेगा? क्योंकि कृषि प्रधान देश राज्य है बिहार, अब कृषि प्रधान में नई चीजें क्या हो सकती हैं, क्या क्या वहां पे गांवों में जो संसाधन है उसका किस तरह से उपयोग हो सकता है? युवा शक्ति क्या सिर्फ मनरेगा में काम करके और पलायन रुक जाएगा? नहीं, फैक्ट्रियां भी चालू करनी पड़ेगी, नीतीश कुमार पे ये जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जनता ने अगर समर्थन दिया है तो फिर 19 लाख रोजगार का वादा भी पूरा होना चाहिए। उसके लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया निश्चित रूप से काम करेगी। अभी बहुत सारे जो शिक्षक हैं, वित्त रहित जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उस पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने पहले भी काम किया था और अब भी काम करेगी कि वित्त रहित शिक्षा प्रणाली बिहार से बंद होने चाहिए। शिक्षा में वित्त रहित का क्या मतलब है? अगर शिक्षा नहीं है तो फिर बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे? गांव-गांव में शिक्षा के स्कूल जो है वित्त रहित चलते हैं, ऐसा क्यों और क्यों चलने चाहिए इतने सालों के बाद? इन सब सवालों को पहुंचाने की जरूरत है और आप लोगों को लिखने की जरूरत है। आप लोगों को जहां भी मौका मिले, सोशल मीडिया आपके मोबाइल आपके हाथ में है, इसको लिखने की जरूरत है। शिक्षा नहीं है तो फिर क्या चीज है? क्या मजदूर पैदा करने वाला राज्य बिहार आगे भी इसी तरह की लाइन खींची जाएगी क्या? नहीं। तो अब जो काम शुरू हुआ है, आरजेएस स्टार किसान पुत्र भानु प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है, और किसान की वहां पे छोटी सी एक गोष्ठी हो रही थी और राकेश कुमार तिवारी जी ने उसे कवर किया है, जो अपने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया खेती किया जाए, किसान कैसे खेती करे ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यदेव सिंह है और हम आत्मा अध्यक्ष हैं, खंड के, और कृषि कार्य करते हैं
हम लोग यही करना चाहते हैं कि जो नौकरी के लिए हम लोग दौड़ते हैं उसको त्याग करके हम लोग कृषि को उद्योग समझ करके इसमें पूंजी लगावें और इसमें लाभ करें, तो छोटा छोटा कम पैसे में हम लोग अधिक पैसा कमा सकते हैं। जैसे हम लोग पशुपालन है, मछली पालन है, साग सब्जी की खेती है, ये सारा खेती करके मुर्गा पालन है, बकत पालन करके अंडा में जो उसमें रोज व्यय है, आज रोज होगा, व्यय कम है, जो हम छः छः महीना के धान का सब्जी हो, गेहूं की सब्जी हो खेती करते हैं उसमें अधिक छः महीना हमको देखना पड़ता है। मछली पालन करते हैं तो उसमें छः महीना का लागत लगता है, लेकिन हम लोग पशु अथी के साग सब्जी का खेती करेंगे तो उसमें प्रतिदिन आय है, अंडा जो बकत का करेंगे तो उसमें प्रतिदिन आय है, जो हमको 10 से 12 रुपया में अंडा बिकेगा, तो किसान की बकरी में जाओ 1000 रुपया प्रतिदिन आएगा, वो किसान सुखी रहेगा। और लंबा हम 6 महीना का खेती करेंगे तो हम किसान 6 महीना का कम से कम पैसे के लिए तरस जाएंगे, इसलिए हम लोग वो बिजनेस करें जिसमें रोज आय हो, रोज आमदनी बढ़े, तो किसान सुखी रहेगा। क्योंकि मेरे पास सब है, कोई खरीदने की चीज नहीं है, मार्केट नहीं जाना है, लाता कपड़ा और नमक जो अगर हमको नहीं खरीदना पड़ेगा, और घर में हमारे किसान के यहाँ सारा सामान है, तो हम खाने पीने कैसे मरेंगे। ज्ञान होनी चाहिए, सीखना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं सीखे, यहाँ आकर हम धन्य हो गए और हमको बहुत प्राप्त हुआ। चंदन काटते हैं देखे और देखे फूलपति, अब हम ये लोग बताए हमारे अध्यक्ष जी, अब जा रहे हैं कौन गाँव की भेड़ी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से कुछ सीखेंगे, वहाँ एक अच्छा प्लांट है, उस प्लांट को देख करके हम अपने गांव में कहेंगे, और हमारे पैक्षाध्यक्ष होंगे तो आत्मा के ग्रहणा जी हैं दूसरी पीढ़ी जी जी, उनको ले कहें शिविर लगवा दें जी जी जी। हाँ, अब शिविर लगा करके उसमें देखा जाएगा, सीखना चाहिए, हमारे पास संपत्ति की कमी नहीं है, हमारे पास पूंजी की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो हम लोग ज्ञान लें और खेती में बढ़ाएं। नौकरी मिले अथवा न मिले, हमारे माता पिता ने हमको पूंजी दिया है, उस पूंजी को दोबरी तिबरी बढ़ाते चले, उसमें परिश्रम की चीज है और ट्रेनिंग की चीज है, इतने जी हाँ। जैसे कि आप तो इस तरह से इन्होंने कहा कि नौकरी ही नहीं बल्कि जो विरासत में पूर्वजों ने दिया है उस चीज के आधार पर भी हम अपने रोजगार को बेहतर कर सकते हैं। और अब एक ऑडियो आपको सुनाने जा रहे हैं, ट्रेड फेयर प्रगति मैदान 2018 दो साल पहले जब हुआ था, हालांकि पिछले साल भी हम लोगों ने ट्रेड फेयर को समर्थन दिया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है दिल्ली के प्रगति मैदान में, और उसको स्वैच्छिक समर्थन आरजेएस पॉजिटिव मीडिया देता है, पुस्तक मेला लगता है उसको भी, और हरियाणा में जो सूरजकुंड मेला लगता है उसको भी स्वैच्छिक समर्थन हम लोग पूरी टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जाकर उन आर्टिजन से मिलना, उनको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना, ये काम हम लोग करते रहे हैं। तो ट्रेड फेयर प्रगति मैदान 2018 को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने दिया था स्वैच्छिक समर्थन, सकारात्मक पत्रकारिता सकारात्मक भारत निर्माण, ट्रेड फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में लघु उद्यमियों के साथ आरजेएस सकारात्मक लघु बैठक हुई थी और कई बैठकें हुई थी स्टॉल पे जाकर। तो ये अभी पोस्ट आपको शेयर कर रहे हैं, ये है 14 नवंबर 2018 ट्रेड फेयर के उद्घाटन के दिन ITPO मीडिया प्रभाग के मैनेजर PR संजय वशिष्ठ जी के साथ सकारात्मक पत्रकारिता के लिए वंदे मातरम करते टीम आरजेएस के पत्रकारगण उमेश सिंगला जी, राजेश खन्ना जी, उदय मन्ना, रोहित शर्मा जी और महावीर जी, अशोक धमन जी और लवली शर्मा जी। लवली शर्मा जी राष्ट्रीय वेबिनार में भी आए थे, आपने देखा होगा, वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं आरजेएस से। तो ये उस समय का पोस्ट है और ये फोटो है 2018 ट्रेड फेयर के दरमियान का, वो आपको शेयर करते हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा जी हैं जिन्होंने एक लघु बैठक की थी नाथुला दर्रा पास जो पूर्वोत्तर में है वहां पर की थी, और इनकी एक ऑडियो आई है, ये ऊपर आप ऑडियो देख रहे हैं, तो ये ऑडियो आपको साझा करते हैं जो कि सकारात्मक पत्रकारिता पे ही इन्होंने भेजा है। तो ये ऑडियो है और आपको रूबरू कराते हैं। जी वंदे मातरम। देखिए अभी इन दिनों में चुनाव में सिलसिले में अपने कार्यक्रम में व्यस्त था और इस बीच में WJI यानी कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ है,
उसमें उनका मुझे आमंत्रण मिला और कहा कि आप इस कार्यक्रम में आपको आना है क्योंकि ये सकारात्मक पत्रकारिता की दिशा की ओर वो काम करता है ये संगठन, और उसमें दिल्ली के कार्यकारिणी को लेकर के कुछ चर्चा हुई थी। तो मेरा उस चर्चा के दौरान मेरे को एक संगठन का और भी बहुत बड़ा जिक्र याद आता है कि RJS संस्थान है, राम जानकी संस्थान, उसने अब तक पिछले 2-3-4 वर्षों में जो जो कार्य किया है सकारात्मक समाज को आगे बढ़ाने का, सकारात्मक समाज में औलख जगाने का, वो कार्य बहुत बेहद अनुकरणीय है। क्योंकि रिपोर्टिंग पत्रकारिता हम लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन सकारात्मक चीजों के ऊपर दृष्टिकोण करके उसको इंगित करके समाज के पटल पे प्रस्तुत करना और उसका एहसास दिलाना, ये राम जानकी संस्थान करता है। इसके लिए राम जानकी संस्थान को बेहद सहर्ष कोटि कोटि बधाई। तो वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी ने ये अपना पोस्ट साझा किया था और मुझे लगा कि आज प्रेस डे है तो ये बहुत ही समसामयिक है, आज सुनाना चाहिए इसके बारे में। और एक बधाई आप दे दीजिए अपने RJS फैमिली से जुड़े हुए परिचय दास जी, जो कि रविंद्र श्रीवास्तव जी के नाम से हैं और हिंदी एकेडमी के सेक्रेटरी भी दिल्ली हिंदी एकेडमी के थे और RJS के अभियानों से जुड़े हुए भी हैं। RJS का जय हिंद जय भारत जो सोवेनियर प्रकाशित हुआ उसमें भी आपका एक आलेख है और परिचयदास जी को बधाई इसलिए RJS फैमिली देगी कि नव नालंदा महाविहार डिम्ड विश्वविद्यालय भारत सरकार नालंदा में प्रोफेसर हिंदी के रूप में ज्वाइन करने पर हम लोगों को बधाई देनी चाहिए अपने RJS फैमिली के जो परिचयदास जी हैं उर्फ रविंद्र श्रीवास्तव जी। आप यहाँ पे पोस्ट भी उनके कुछ साझा की गई थी, नव नालंदा महाविहार डिम्ड विश्वविद्यालय भारत सरकार के प्रोफेसर हिंदी के रूप में आपने ज्वाइन किया है, अभी बिहार में हैं वो और उन्होंने नवलांदा महाविहार बिहार डिम्ड विश्वविद्यालय भारत सरकार में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में आपने ज्वाइन किया है। तो इसके लिए RJS फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स हम लोग आपको बधाई देते हैं क्योंकि अपने RJS फैमिली की चीज़ें हैं और जो लोग तरक्की करते हैं तो RJS फैमिली को बड़ी खुशी होती है कि भाई अपने जो लोग हैं वो अच्छी जगहों पर जाएँ, अच्छे काम करें और उससे हम लोगों को बहुत खुशी होगी। और भी तमाम चीज़ें हैं लेकिन आइए आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चित्रगुप्त पूजा से शुरू करते हैं कुछ क्योंकि 16 नवंबर चित्रगुप्त पूजा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जो है भगवान चित्रगुप्त का जन्म यम द्वितीया के दिन हुआ, इसी दिन जो है वो कलमजीवी लोग जो हैं, कलमजीवी आप कहें तो, अपने घरों में भगवान विष्णुगुप्त की पूजा करते हैं, कलम दवात का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी आज पूजा की जाती है। और चित्रगुप्त भगवान को प्रथम न्यायाधीश माना जाता है और जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं चित्रगुप्त। ये जो भी हम अच्छे काम करते हैं बुरे काम करते हैं तो वो जो है वो उसका भी लेखा जोखा रखते हैं और उसके हिसाब से जो है सज़ा भी मिलती है। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। तो चित्रगुप्त भगवान को आज नमन है, वंदन है। और अगर पत्रकार जो है वो लिखता है कि सच्चा पत्रकार वही है जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, फिर वो पुरोहिताई ही क्यों ना हो, क्यों ठीक है ना। सोशल मीडिया पे नौकान ठाकुर जी RJS फैमिली से जुड़े हुए पत्रकार हैं और INS में हैं, दिल्ली में INS है, वहाँ आपका ऑफिस है नौकांत ठाकुर। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए क्योंकि एक पत्रकार जो है वो इस तरह से भी अपना फ्लैश कर रहा है अपने छवि को कि वो पत्रकारिता नहीं पुरोहिताई। और देखिए किस तरह से संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, स्निग्धानि चिक्कलीत वसमे गृहे नीच देवीं मातरं
जी हाँ, तो एक झलक जो है पत्रकार के इस रूप को भी दिखाना मुझे लगा कि आज प्रेस डे पे जरूरी है, क्योंकि पत्रकार में जो कैपेसिटी होती है संघर्ष करने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि आज़ादी के समय आपने देखा कि पत्रकारिता जो है वो मिशन पत्रकारिता थी, आज़ाद भारत, भारत को आज़ाद कराने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और क्रांतिकारी बहुत सारे जो हैं उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से पूरे देश में आज़ादी की अलख को पहुंचाया था। इनकलाब का नारा भी पहुंचाने में पत्रकारिता जो है वो काफ़ी मदद की थी। और यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे 1857 की नायिका वीरांगना उदा देवी पासी की शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। ये बलराम सिंह जी की पोस्ट है, 1857 की नायिका वीरांगना उदा देवी पासी। आप जानते हैं कि हम लोग महापुरुषों और जो इस तरह के क्रांतिकारी लोग हैं, शहीद लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम किया है, उनके सकारात्मक कार्यों को यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और बलराम सिंह जी ने ये पोस्ट साझा किया है फेसबुक पे। तो चूंकि ये कार्यक्रम इसी तरह का है जो हम लोगों की आरजेएस फैमिली है, फेसबुक फ्रेंड्स की फैमिली है, इसी कंसेप्ट के साथ है कि हम लोग भी कुछ करते हैं, कहते हैं, तो उसको राष्ट्रीय मंच किस तरह से मिले, इसीलिए इसको आप अपना कार्यक्रम समझकर इसको शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें आपको एक पैसा कहीं खर्च नहीं होना है। बस आपकी एक सकारात्मक सोच की, सकारात्मक भारत आंदोलन को आपने देखने का समर्थन किया, अपना समय दान दिया, और साथ में अपने अपनों तक आप शेयर करते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रेरक चीज़ें भेजी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, एक दिशा देने का काम किया जाता है। क्योंकि सकारात्मक सोच जो है ये अगर किसी परिवार में आपने भेज दिया तो आपने बहुत पुण्य का कार्य कर दिया, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इसमें कितनी बड़ी शक्ति है। जिस तरह से अहिंसा में शक्ति है और अहिंसा के माध्यम से एक योगदान दिया गया, केवल अहिंसा से निश्चित रूप से देश आज़ाद नहीं हुआ है, हमारे बलिदान से आज़ाद हुआ है, लेकिन एक अहिंसा भी प्रेशर ग्रुप के रूप में काम किया है। अब हमें अहिंसा के आधार पर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो भाई हैं नकारात्मक हैं वो गुमराह हो गए हैं। अगर वो नकारात्मक हैं, नकारात्मक काम करते हैं, जैसे कि एडल्ट्रेशन करते हैं और वो हम भारतीय के शरीर में जाता है, उससे भारत का स्वास्थ्य खराब होता है, नकली दवाइयाँ बनाने वाले लोग, नकली शराब बनाने वाले लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन ये नकारात्मकता भारत से जानी चाहिए। अब उसके लिए कोई खूनी क्रांति करके आप करेंगे, सभी तो अपने पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तो अपना भारतीय परिवार है, उसके लिए कानून है, प्रशासन है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को उन गुमराह लोगों को एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। रोज आए दिन आप देखते हैं लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, ये सब नकारात्मक मानसिकता का ही उपज है, और इसलिए समाज में सकारात्मकता का कोई जोड़ ही नहीं है, इसका कोई विपर्याय ही नहीं है। बिना सकारात्मक बने ना देश का भविष्य होगा, ना आपके परिवार का होगा। आप अगर उन्नति किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का सकारात्मक सोच रही है, आपकी मेहनत रही है, आपका उसके बाद आप इस स्थान पर पहुंचे हैं। तो बलराम सिंह जी ने जो पोस्ट किया है तो इसको राष्ट्रीय मंच देने के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग सभी मिलकर ऐसा प्रयास करें, क्योंकि मिलकर प्रयास करेंगे तभी जाके कोई कार्य सफल होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है, या हम कहीं से मोटिवेटेड हैं, या हमारा कोई एजेंडा चल रहा है, तो आप निश्चित रूप से हम पोस्ट देखना भी बंद कर दीजिए। लेकिन आपको अगर दिल में ये लगता है कि नहीं, ये देश के लिए बहुत अच्छा है, तो इस आंदोलन को बहुत दूर तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका है, भारतीय परिवारों का आंदोलन है। इसीलिए नम्र विनती है कि आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि इसी से भारत जो है बहुत दूर तक पहुंच सकता है। हम लोग गांव-गांव में चाहते हैं सूचना केंद्र की घोषणा हो जाएगी, 10 सूचना केंद्र जिलेवार जो है वो आपके लिए ही बनाई जा रही है, कि आपकी कोई समस्या होती है आरजेएस फैमिली में आप बता देंगे। और अभी हम लोग लगे हुए हैं, जो आज पत्रकार दिवस है, लेकिन हमारी बहन जो है वो अंजलि भाटिया जी, जो कि आरजेएस स्टार हैं, उनको गांधी पीस फाउंडेशन में आरजेएस का सम्मान दिया गया था। उनके पिताजी निमोनिया से भी ग्रसित हैं
और उनको एक प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत हो गई है, तो हम लोग लगे हुए हैं। आज प्लाज्मा डोनर उपलब्ध हो गए थे, लेकिन अंडरवेट होने की वजह से उनका प्लाज्मा नहीं लिया जा सका है। तो एक बार और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अंजलि भाटिया बहन जी जो हैं वो उनके पिताजी की कुछ इस परिस्थिति में मदद हो जाए। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिए कि प्लाज्मा डोनर जो लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गए हैं वो लोग प्लाज्मा डोनर कर सकते हैं, डोनर बन सकते हैं। उदा देवी 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीरगति को प्राप्त हुई थी। उदा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध के 6 नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। इस लड़ाई के दौरान उदा देवी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया था। लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई थी। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया था जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें जब वो पेड़ से उतर रही थी तब गोली मार दी थी। उसके बाद जब ब्रिटिश लोगों ने बाग में प्रवेश किया तो उन्होंने उदा देवी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया था। इस लड़ाई का स्मरण कराती उदा देवी की एक मूर्ति सिकंदर बाग परिसर में कुछ वर्ष ही पूर्व स्थापित की गई है। तो उदा देवी को हम लोगों ने 1857 की ये नायिका को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और इस तरह से जो है हम लोग मना रहे हैं। कुमार विश्वास जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनके पोस्ट आते रहते हैं, तो आज का पोस्ट आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कुमार विश्वास क्या कहते हैं? और नीचे ये तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। लोक श्रुति है कि पहले संस्कृत से इन्होंने श्लोक शुरू किया है, और लोक श्रुति है कि यमराज व्यवस्थाओं के कारण कभी बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे, इस कारण यमुना को बहुत दुख होता था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अचानक बहन यमुना के घर पहुंचे तो यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने अति व्यस्त भाई यमराज की खूब आवभगत की। यमराज ने प्रसन्न होकर वर दिया कि आज के दिन बहन के घर भोजन करने वालों को यम का भय नहीं होगा और उनकी आयु में वृद्धि होगी। इस परंपरा के माध्यम से हर भाई बहन के बीच परस्पर स्नेह सतत बढ़ता रहे। इसी सद्भावना के साथ, सद्कामना के साथ आप सबको भाई दूज के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं, साथ ही साथ आप सबको भगवान चित्रगुप्त के पूजनोत्सव की भी असीम मंगल कामनाएं। तो इन सब चीज़ों को अपने नई पीढ़ी तक बताने की और पहुँचाने की ज़रूरत है। और अपने तस्वीर के साथ RJS स्टार सिंगर मोहित खन्ना ने ये साझा किया है, एक बार और साझा किया गया था। तो RJS आपने लिख दिया तो ये अपनी फैमिली को दिखाने का भी बनता है। भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए सिंगर मोहित खन्ना लिखते हैं, नीचे आप देखिए RJS स्टार अवार्डेड। मोहित खन्ना ताल ग्रुप के हैं, ताल ग्रुप और RJS के कार्यक्रमों में इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन भी पूरी टीम के साथ किया है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है उसमें आते रहे हैं ये। तो कभी खुशी कहीं गम ये सब भी चलता रहता है और पर्व त्योहारों की बात भी चलती रहती है, लेकिन हम लोगों को अपने समाज में जो सकारात्मकता है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। 16 नवंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में फटाफट जानकारी दे देते हैं। 1880 को 16 नवंबर को अल्फ्रेड नायस, ब्रिटिश लेखक और कवि नाटककार अल्फ्रेड नायस, इनका जन्मदिन है। श्रीराम लागू, अब भारतीय सिनेमा के और रंगमंच के दिग्गज कलाकार का नाम जरूर सुने होंगे, 1927 16 नवंबर को इनका जन्मदिन। आर्ट सैंसम, अमेरिकी कार्टूनिस्ट जिनका किस 1920 में 16 नवंबर को जन्मदिन। पुलेला गोपीचंद, भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी, 1973 में 16 नवंबर को जन्मदिन। और एके दिनशा, चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला, 1943 में 16 नवंबर को जन्मदिन। मिहिर सेन का नाम आपने सुना होगा, भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे और 1930 में 16 नवंबर को जन्मदिन। उसी तरह से बोम्मी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक, 1908 में 16 नवंबर को जन्मदिन, बोम्मी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी। और शंभु महाराज कथक के प्रसिद्ध जो गुरु थे नर्तक, और उनका जो है शंभु महाराज जी का 1907 को 16 नवंबर को जन्मदिन। तो इस तरह के जानकारी। उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट बारा में हुआ था 1846 को 16 नवंबर को, अकबर इलाहाबादी जी का। तो ये जानकारी के साथ साथ आपको और भी कुछ जानकारी पहुंचा दें।
जो कि 17 नवंबर को जन्मे व्यक्ति हैं, 17 नवंबर को जन्मे व्यक्ति हैं 1900 में पद्मजा नायडू, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री, पद्मजा नायडू और सरोजिनी नायडू की पुत्री, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत के हितों के लिए समर्पित कर दिया था। सरोजिनी नायडू के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है। 17 नवंबर को निधन हो गया था श्री निवास कुमार सिन्हा, भारतीय सैन्य अधिकारी और असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री निवास कुमार सिन्हा। 2016 में 17 नवंबर को पुण्यतिथि। और बाल ठाकरे, भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जी का निधन जो है 2012 में 17 नवंबर को हो गया था। डार्विन दिन गधो पग भारतीय राज्य मेघालय के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री थे। जसवंत, इनका 2008 में 17 नवंबर को पुण्यतिथि। और जसवंत सिंह रावत जी की 1962 में 17 नवंबर को पुण्यतिथि है, भारतीय थल सेना के जांबाज सैनिकों में से थे। और 1928 में 17 नवंबर को लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया था। 17 नवंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में। और आप जानते हैं कि जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे उसी कॉलेज में भगत सिंह भी पढ़ा करते थे, और बहुत कुछ सीखा लाला लाजपत राय जी से। और एक शहीद जो है शहीद आजम भगत सिंह जी के गुरु, और भगत सिंह ने इन्हीं की मौत का बदला लिया था। तो 17 नवंबर वीर सेनानी लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि पे आइए श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे महान लोगों के लिए ही तो आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन है, और ये घर घर तक पहुंचाने का आंदोलन है। और घर घर तक तभी पहुंचेगा, बिना आपके सहयोग के नहीं पहुंचेगा। मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों को आप घर घर पहुंचाने की आपकी जितनी कोशिश हो सकती है, क्योंकि आप समझिए पूरे देश में अखबार निकाल कर देख लीजिए हम लोग कितनी चर्चा करते हैं इन चीज़ों के। लेकिन हम लोग रोजाना जो है यहाँ पे, अब 100वां फेसबुक, आज 95वां फेसबुक लाइव है, 95th फेसबुक लाइव है, 95वां है, 95 अंक अपने सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ की श्रृंखला के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया गया, जिसमें आप लोग आज जुड़े हुए हैं। भारत के वीर सेनानी लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुदिकी गांव में हुआ था। पंजाब के रहने वाले थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए 1880 में लाहौर के राजकीय कॉलेज में प्रवेश लिया था। इस दौरान वे आर्य समाज के आंदोलन से में शामिल हो गए थे। लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे जी, क्लियर हो गया। और अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर मुखालफत की। उन्होंने देश भर में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए अभियान चलाया। 3 मई 1907 को ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद भी लालाजी आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। लालाजी ने अमेरिका पहुंचकर वहां के न्यूयॉर्क शहर में अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम के एक संगठन की स्थापना की। इस तरह से जहां चाह वहां रहा, विदेश चले गए। लालाजी प्रदेश में रहकर भी अपने देश और देशवासियों के उत्थान के लिए काम करते रहे। 20 फरवरी 1920 को जब वे भारत लौटे तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक नायक बन चुके थे। लालाजी ने 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में भाग लिया। वे गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जो सैद्धांतिक तौर पर रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया और जल्द ही वे पंजाब का शेर या पंजाब केसरी नाम से भी पुकारा जाने लगे। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, आपके बच्चों को जानना चाहिए। अब आपके बच्चे अलग से पढ़ाई करें, उससे अच्छा है कि इस पोस्ट को वो देख लें। लाला लाजपत राय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जब वे भारत लौटे तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक नायक बन चुके थे। तो ये चीजें भी है। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा, साइमन कमीशन, जिसके विरोध में पूरे देश में आग भड़की। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई, वे बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाठियों से पीटा गया लाला लाजपत राय को। लालाजी की मौत से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने की ठानी। इस जांबाज देशभक्तों ने
लाला जी की मौत के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय आजादी के मतवाले ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और महान समाज सेवी भी थे। यही कारण था कि उनके लिए जितना सम्मान गांधीवादियों के दिल में था उतना ही सम्मान उनके लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के दिल में भी था। इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की ताकि इन लोगों को हम लोग घर घर तक पहुंचा सकें। ये सकारात्मक भारत आंदोलन इसीलिए है। करतार सिंह सराभा इस क्रांतिकारी के को आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है इन्होंने देश को आज़ादी के लिए संघर्ष किया। करतार सिंह सराभा 16 नवंबर 1915 को जन्मे, फांसी से आपकी जीवन समाप्त हो गया, शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा जन्म 24 मई 1896। भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। भारत में एक बड़ी क्रांति की योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी। 16 नवंबर 1915 को करतार को जब फांसी पर चढ़ाया गया तब वे मात्र 19 वर्ष के थे। 19 वर्ष। अब आप अपने बच्चों से पूछिए जो इस उम्र के हैं कि करतार सिंह सराभा को जानते हैं, नाम भी नहीं बता पाएंगे। और देखिए 19 साल की उम्र में ये फांसी पर चढ़ गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह सराभा को 19 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ गए और हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज देना भी चाहिए और हर उम्र के लोगों को देना चाहिए। और यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। और यहाँ पर आपको ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की पोस्ट जो RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है वो पोस्ट आप लोगों को साझा कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़ते भी हैं फेसबुक लाइव में, अभी हम देखेंगे। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं, वंदे मातरम, सूर्य नमस्कार, योगासन और सकारात्मक भारत निर्माण ऊर्जा, परिचय, सप्तम आसन सर्पासन नमन, हिरण्यगर्भ नामक समग्र सूर्य रश्मियों को नमस्कार। चिंतन, हिरण्यगर्भ को विश्वात्मा कहा गया है, ये जीवात्मा नाम से भी जानी जाती है, ये चेतन लोक की निर्माण स्थली भी कही गई है। ये गर्भ सूर्य किरणों की अंडाकार आभा के अंदर सुरक्षित है। यहां सर्वप्रथम सत्य लोक की रचना चैतन्य होगी। इसे सकारात्मक सोच के नाम से जन जन जनार्दन के मन में लाने का प्रयास गत श्री उदय मन्ना जी की वाणी से RJS परिवार करते आ रहा है, आज प्रेस दिवस के अवसर पर अपना रंग दिखा रहा है। सूर्य नमस्कार के मंत्र उच्चारण ध्यान के साथ प्रतिदिन किए जाने से मानसिक सकारात्मक सोच को बल प्रदान करता है। प्राणों में चेतना शक्ति के रूप में संचरण होता है, शरीर के अंग प्रत्यंग के द्वारा प्रकट होता है, विषरहित जीवन निर्वहन के समाधान देते हैं। इस सत्य को श्री नरेंद्र टटेसर जी के मुख से हमने समाधान परक पत्रकारिता पाठ्यांग्रत सुना, वो बैठक जो किए थे। और व्यवहारिक में ध्यान के साथ सर्पासन ग्रहण करें, उच्चारण करते हुए या कानों से सुनते हुए स्वर शक्ति नाभि चक्र में मर्ज होने देंगे। मंत्र है ओम हिरण गर्भाय नमः ओम, और विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी चव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः, सोमार्ध धारिणे स्वस्तामने सत्यलोक जागृहि गति नवलोक सृजन स्थल के संरक्षण की ओर ध्यान। ओम शांति, जय मां भारती। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का पोस्ट था जो आप लोगों के से शेयर हमने किया है। अब आइए इन उंगलियों में क्या क्या अर्थ होते हैं उन चीजों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। गौरांग दास जी कहते हैं, एक शिष्य गुरु के पास जाकर पूछने लगे, गुरुजी बताइए कि भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना की कोई शैली है तो बताइए। तो गुरुजी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, कहने लगे, जब हम प्रार्थना की मुद्रा में हम अपने हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले अंगूठे को लेकर समझना चाहिए ये हमारे सबसे निकट है, अर्थात जो हमारे हृदय के निकट हो, परिवार के स्वजन हो, सौहार्द हो, मित्रगण हो,
जिनसे प्रेम का संबंध हो, उन सभी परिवार के स्वजनों के लिए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। फिर दूसरी उंगली संकेत के लिए प्रयोग की जाती है, शिक्षा के लिए प्रयोग की जाती है, दोष दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि दूसरे हम उन सभी शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए, ऋषि मुनियों गणों के लिए, गुरुजनों के लिए प्रार्थना करें। फिर बीच की उंगली सबसे लंबी है, इसका अर्थ जो समाज में सबसे बड़े नेतागण हैं, जो हमारे हर प्रकार के सामाजिक कार्य में जो नेतृत्व कर रहे हों, राष्ट्र का कर रहे हों, हर प्रकार से हमारे समुदाय का नेतृत्व कर रहे हों, उन सभी के उत्तरदायित्व में ठीक प्रकार से निर्णय की शक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। चौथा, जो हमारे अंगूठी का उंगली है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, एक दृष्टि से बड़ा ही दुर्बल होता है, और इसलिए समाज में जो निकृष्ट हैं, अधीनस्थ हैं, जिनको हर प्रकार से सहायता चाहिए, मदद चाहिए, जो शक्तिहीन हो, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और तत्पश्चात जब इन सभी वर्ग और श्रेणियों के लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, हमारे परिवार के स्वजनों के लिए जो हृदय के निकट हों, शिक्षक अध्यापकों के लिए, समाज के नेताओं के लिए, तत्पश्चात जो दूसरे विकलांग हों, सामाजिक आर्थिक रूप से जो शक्तिहीन हों, उनके लिए प्रार्थना करने के पश्चात फिर ये अंतिम उंगली जो सबसे छोटी है, ये हमारा प्रतिनिधित्व करती है, अपने आप को तुच्छ मानकर विनम्रता पूर्ण भाव के साथ हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें निरंतर अपने चिंतन करने की शक्ति दीजिए, हमेशा इस बात का स्मरण रहे कि जो कोई सामर्थ्य हमारे अंदर है वो केवल आपके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर ही है, अन्यथा स्वतंत्र रूप से मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं। तमोपयंतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। महाराज परीक्षित, आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए चारों तरफ ऋषि मुनि गणों से घिरे हुए जब प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु, अब मृत्यु की क्षण आ रही है, लेकिन मृत्यु के क्षण मुझे मृत्यु का भय नहीं, लेकिन मृत्यु के क्षण जब विषधर भुजंग तक्षक आके मुझे डसेगा, उस समय मेरी विस्मृति में हो जाए, इस बात का भय है। भगवान श्री विष्णु की विस्मृति में हो जाए, इस बात का भय है, और इस भय से प्रेरित होके मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, निरंतर मैं आपका स्मरण करता रहूं। आइए हम भी जब इस तरह की चीजें जो हैं वो एक अध्यात्म से संबंधित हैं, और कार्यक्रम अब समय इजाजत नहीं दिया रहा है, कल और हम लोग आएंगे और इन चीजों पे और भी विशेष चर्चा करेंगे। आज बहुत सारी चर्चा हुई है, उस पर आप लोगों ने कुछ लिखा भी है, और उसे लेकर जो है आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी जय हिंद, हरीश कुमार शर्मा जी वंदे मातरम, और दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस पे लिखा है, जिसे शेयर किया गया, इन्हीं की पोस्ट थी जिसे शेयर किया गया। आकांक्षा जी जय हिंद, और रमीश परवाला जी उर्फ अल्ताफ हुसैन जी पत्रकार आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए जय हिंद, बिंदा जी वंदे मातरम, और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान सुशील खन्ना जी जय हिंद, आप देख भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील खन्ना जी। कुछ वीडियो वगैरह जो है अपने ग्रुप से मंगवाइए, 2 मिनट या 2.5 मिनट यहाँ पर शेयर किया जाएगा, आप जो काम कर रहे हैं वो यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। सभी तमाम लोगों से कहा जा रहा है, जो लोग वीडियो भेज रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, आपके 10 सेंटेंसेज यहाँ आते हैं तो वो शेयर किए जाते हैं, तो आपको भी साधुवाद सुशील खन्ना जी। और डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी देख रहे हैं, कल आपकी वीडियो साझा की गई थी, धन्यवाद। और यहाँ पे दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी
लिखते हैं, यहाँ कलम दवात और कागज चढ़ाने से बदलता है भाग्य। चित्रगुप्त पूजा की बात कर रहे हैं और विशाल ललित जी काफी देर से देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ। वंदे मातरम मन्ना सर। सर ऐसा है कि विशाल ललित भाई, आप अपना नंबर शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आरजेएस ग्रुप में कल भी जोड़ा गया था उस बंधु को जो कि कहीं दिल्ली से बाहर के थे, अन्य राज्य के थे, जौनपुर से। तो आप ये जो लोग हैं जिनको जो आरजेएस फैमिली में नहीं है या फेसबुक फ्रेंड्स नहीं है, ये घर घर का आंदोलन है, सकारात्मक भारत आंदोलन, ये 5 साल से चल रहा था। 2 अगस्त से ये फेसबुक लाइव शुरू किया गया और आज 16 नवंबर तक जो है हम लोग 95वां अंक तक पहुंच गए हैं और 100वां अंक को लेकर मैं भी काफ़ी खुश हूं कि हम लोग 100 अंक कम से कम 100 अंक तक इसको ले जाएं। तो 20 नवंबर को पीडीएफ स्मारिका जो है वो घर घर के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और हम लोग तो एक किताब भी प्रकाशित करने वाले हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की किताब होगी जो कि एक प्रेरक होगी जिसमें तमाम महापुरुषों के नाम पे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ विशाल ललित जी कि हम लोग जो हैं वो सकारात्मक सोच को ही भारत में, भारत भर के परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को अब सत्ता में बैठे लोगों से भी सकारात्मक बातचीत करनी है। तो वो संदेश जो है नेताजी कहें क्या कहें, ये घर घर तक पहुंच जाए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की जो भी चीज जाए, आरजेएस फैमिली के जुड़े लोग जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा वो हम लोग पहुंचाएंगे। एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर देते हैं, जो गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी 2021 जनवरी की, और आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कल मीटिंग की और उन्होंने कहा कि दिल्ली में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, इसको केंद्र सरकार जो है वो कई बेड की व्यवस्था करेगी, जांच के लिए वो अपना सहयोग देने जा रही है दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली में केसेस काफ़ी लगभग 100 के रोज़ाना जो है लगभग 90-100 इस तरह के केसेस आ रहे हैं, और सर्दियों में विशेषज्ञ बता रहे हैं इसकी गंभीरता को, बता रहे हैं बढ़ भी सकते हैं केस। इसी लेकर आरजेएस फैमिली को किसी खतरे में नहीं डालते हुए आज आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने घोषणा कर दी कि हम लोग इस कार्यक्रम को, जनवरी वाले कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और जैसे ही समय अनुकूल होगा आरजेएस फैमिली के लिए, फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, कि वो बाहर से, क्योंकि 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, वो आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आते हैं, आएंगे भी, लेकिन इस काल में फैमिली के साथ ये कार्यक्रम होता है, सबसे बड़ी बात है फैमिली के साथ कार्यक्रम होता है, और परिवार को इन परिस्थितियों में भुलाना दिल्ली थोड़ा सा डाउटफुल रह रहा है। बड़ा संवेदनशील है ये चीज़ें कि कार्यक्रम के दरमियान जो है निश्चित रूप से भीड़ भी हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए फिर कार्यक्रम का वो आनंद आपको नहीं, क्योंकि क्विज़ प्रोग्राम बच्चों के लिए होता है, आपके परिवार के बच्चों का क्विज़ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, बच्चे भी लापरवाही कर सकते हैं और हम लोगों से भी कोई लापरवाही हो सकती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए कई दिनों से विचार चल रहा था, लेकिन आज जो है वो घोषणा हो गई है, ग्रुप में डाल दिया गया है, फेसबुक पे भी डाल दिया गया है, तो जैसे ही समय होगा आपको सूचना दी जाएगी, समय पे सूचना दे दी जाएगी जैसे व्यवस्था होगी। लेकिन जनवरी 2021 का जो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम आरजेएस का कार्यक्रम था उसे स्थगित कर दिया गया, ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दिए। भविष्य जैन जी जय हिंद आपको, और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने भी कुछ लिखा है, वंदे मातरम पत्रकारिता को जो सकारात्मक भारत निर्माण का एक स्तंभ प्रेस है, आज प्रेस दिवस के दिन सकारात्मक प्रेस सह नकारात्मक प्रेस की समस्या के निराकरण के समाधान वगैरह के बारे में, और आज ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी का सकारात्मक सोच की जो पोस्ट था उसको साझा किया गया। मुकेश भटनागर जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, कह रहे हैं अक्सर पत्रकारिता केवल समाचार न्यूज पर केंद्रित होकर रह गई है, समाचारों से उपजे विचाराधीन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सर जो नहीं हो रहा है वो हम लोग करें, और आप तो लेखक हैं तो आपके पास तो ढेर सारे विचार हैं, उन विचारों को लेकर आइए, उन विचारों को हम लोग यूट्यूब पे भी लगाएंगे और सारे 19 ग्रुपों में भेजते हैं, अन्य जगहों पे भी भेजते हैं, तो इसको फैलाते हैं, हम लोग स्वयं इतना सक्षम बने, घर घर की आवाज हम लोग बने, ये सकारात्मक भारत आंदोलन ये घर घर का आंदोलन बने। आप लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश अगर करते रहे, 10 ग्रुप में भेजने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके
पास मोबाइल है, मोबाइल से इस चीज को आप भेज दीजिए तो निश्चित रूप से लोग उसको देखेंगे, जुड़ेंगे। जैसे विशाल ललित जी ने आज 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 जुड़े, कई लोग नए जुड़ते हैं, जैसे हरीश कुमार शर्मा जी अभी अभी कुछ दिन पहले आरजेएस फैमिली में जुड़े और सक्रिय भी हैं, आपको तो धन्यवाद हरीश कुमार शर्मा जी। शिक्षक हैं आप, देश की जिम्मेदारी शिक्षक की भी होती है, बशर्ते वो समझे ना समझे, लेकिन आप समझते हैं। अखबारों में अक्सर पहले मुख पृष्ठ पर किसी विशेष घटना पर संपादकीय लेख लिख पत्रकारिता के स्तंभ को मजबूत किया जाता था, जबकि आजकल मुख पृष्ठ पर विशेष घटनाओं पर लेख कम देखे जाते हैं। सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाकर चौथे स्तंभ को अपनी मजबूती कायम रखनी होगी, तभी लोकतंत्र का वट वृक्ष फलेगा फूलेगा। जी हाँ, ये विचार आया कि मुख पृष्ठ पर जो है संपादकीय रहना चाहिए, पहले आता था, हरीश जी कह रहे हैं, तो ये परंपरा दूसरे को नहीं, हम लोग स्वयं शुरू करें। आप लोग इस फेसबुक लाइव को जो देख रहे हैं, जो आरजेएस की रिसर्च टीम ये वीडियो वगैरह साझा करते हैं, पोस्ट साझा करते हैं, आप लोगों की भी पोस्ट आती है उसको भी, तो आप केंद्रित कर लीजिए कि ये मुखपत्र जो है भारत का किस तरह से बनेगा, क्योंकि बाकी जगह जो चल रहा है उसको, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता की लाइन आप बड़ी तो कर सकते हैं ना, ये आपके हाथ में है। आप सकारात्मकता की लाइन जो है बड़ी कर दें, आपके घर का ही नहीं बल्कि आस पड़ोस और जो तमाम लोग हैं आपकी सकारात्मकता के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, एक आपके अंदर जो है ना दिव्य ज्योति आएगी। इसीलिए हम लोग सकारात्मकता की सीढ़ी जो है उसको लेकर चल रहे हैं कि मंजिल जो है ये सकारात्मकता की लाइन जो है ये बड़ी मुश्किल से मिली है, और 300 महापुरुषों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है अपने अपने पूर्वजों के साथ मिलकर। ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ है, 5 साल पहले से हम लोग श्रद्धांजलि देते रहे हैं, और शहीदों के वंशज आरजेएस से इसीलिए जुड़े हैं, शहीदों का सम्मान हम लोग करते हैं। विनय ठाकुर जी जय हिंद, और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी को जय हिंद कहा है, और लिखते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से 6 बात आपके माध्यम से रख दिए हैं, आप उस वीडियो को देखिए। जी हाँ, कल के लिए मैं उसको सुरक्षित कर लेता हूँ। और अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी आरजेएस के स्टार पत्रकार हैं, गढ़नी भोजपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अमरेंद्र प्रताप सिंह जी जो कि आरा से विधानसभा के MLA बने हैं, वो संभवतः मंत्री बने हैं शायद, बधाई कुछ ऐसी है, आप लोग बता सकते हैं बेहतर। आज रिलीज पढ़ी गई है, मैंने उसमें देखा भी था, सब कुछ ऐसी बात थी, तो अच्छी बात है। आप लोगों की जानकारी में आपके भोजपुर जिले से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने आए हैं, आपके परिचित भी होंगे। तो हम लोग जो मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ, अमरेंद्र प्रताप सिंह सही मुझे याद है, आज नीतीश कुमार जी ने 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और उसमें कई मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वालों में अमरेंद्र प्रताप सिंह जी भी हैं, तो उनको बधाई अमरेंद्र जी पहुंचा दीजिएगा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से, और हम लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे। ललिता जोशी जी आकाशवाणी की एक बड़ी अधिकारी हैं और इंचार्ज भी हैं, न्यूज सेक्शन में हैं और NSD में, न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवित्री भी हैं, आपकी समाज सेवी आपका व्यवहार है, तो बहुत अच्छा लगा कि आपके जरिए जो है आकाशवाणी तक ये आवाज़ जाएगी। विशाल ललित जी जय हिंद, और विशाल ललित जी ने अपना नंबर शेयर कर दिया है, तो आपको आरजेएस के ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और उसके बाद सक्रियता देखते हुए निश्चित रूप से आपकी बातों को यहाँ फेसबुक लाइव में लिया जाएगा। रविंद्र प्रसाद जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र प्रसाद जी, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि आप किस स्टेट से जुड़े हैं, तो ये थोड़ा अच्छा। चित्री कविता प्रधान काबू, हाँ चित्री कविता प्रधान काबू, आपका मुझे ध्यान है, आप काफी सक्रिय हैं, और आरजेएस स्टार प्रांजल श्रीवास्तव जो संपादक हैं संज्ञान न्यूज पॉजिटिव मीडिया हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जी। तो जो लोग अपना नंबर अगर शेयर कर देंगे, या मेरा नंबर कंटेंट में दिया हुआ है, तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, और ये परिवार का आंदोलन जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी बातचीत हो रही है, और सरकार के संज्ञान में भी आ रहा है, और सरकार को जागरूक करने का, क्योंकि अभी क्या है कि सभी हमारे गुमराह लोग जितने भी हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष में हों या कहीं भी हों, हम लोग सभी मिलकर उनको सकारात्मक बनाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं।
अब आंदोलन कोई क्रांति इस तरह की तो है नहीं, अपने ही भाई बहन है पूरे भारत में, हम लोग यही मानते हैं। तो स्वस्तिक तरीके से पवित्र शक्ति जो होती है स्त्री शक्ति, स्वस्तिक का चिन्ह एक खूबसूरत आपको दिखाते हैं शक्ति के स्वरूप में, आप समझते हैं पवित्र पवित्र। ये देखिए ये तस्वीर जो है स्त्री स्वस्तिक का प्रतीक, ये देखिए कैसे शरीर को कितनी बड़ी खूबसूरती से स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया गया है। ये बहुत ही आरजेएस की रिसर्च टीम ने ये भेजा तो मैंने सोचा कि आप तक ये पहुंचा दूं कि ये इतनी शक्ति हम लोगों के अंदर है। हम लोग भाई बहन के रिश्ते से ही आरजेएस फैमिली में बातचीत करते हैं और अब फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़ रहे हैं, तो 19 ग्रुपों के अलावा जो है और भी ग्रुप हम लोग बनाकर, और ये चाहेंगे कि पूरे भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन, मतलब हम लोगों का कोई और एजेंडा नहीं है, सकारात्मक बातें, सकारात्मक पत्रकारिता। पत्रकारिता का मतलब सारे विषयों को समेटते हुए, जो लोग संपादक हैं, जो पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो ये सकारात्मक भारत आंदोलन चलाया था, इसमें हर विषय अखबार के अंदर आने चाहिए, केवल राजनीति ही पत्रकारिता का मुख्य विषय नहीं होना चाहिए। आप राजनीति को मुख्य विषय देकर उनको इतनी ताकत दे देते हैं कि फिर आप निसहाय हो जाते हैं। समाज नीति, समाज से ही तो सारे नेता पैदा होते हैं, सत्ता में आईएएस बनते हैं समाज से। हमारा समाज जैसा होगा आपको संसद भवन भी वैसा ही दिखाई देगा, विधानसभा और निगम निकाय उसी तरह के दिखाई देंगे। इसलिए भ्रम में हम लोग न रहे, हम लोगों को समाज नीति को सर्वश्रेष्ठ मानना है, समाज को मजबूत करना है, समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना है। इस महिला का चित्र देखकर आप बताइए, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया तो ये स्त्री शक्ति है, ये इनके प्रति अगर सकारात्मक दृष्टिकोण भारत में जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन हम लोग सफल हो जाएंगे। हम लोग जो कहना चाहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण स्कूलों में, घर में, पड़ोस में, सब जगह सकारात्मक 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 दृष्टिकोण, सकारात्मक क्राइम नहीं होंगे, इतनी पुलिस प्रशासन की काम घट जाएंगे, उन पर इतना दबाव है वो सारे घट जाएंगे सिर्फ एक सकारात्मक सोच होने से। ये जो लोग पैसे लेकर और देते नहीं है, दुश्मनी हो जाती है। आजकल पैसे आप दे दीजिए और फिर देखिए दुश्मनी आपको पैदा हो जाती है। आप जिसको आगे बढ़ाइएगा वो आपका सबसे पहले दुश्मन हो जाता है। क्यों होता है? वो नकारात्मक सोच के चलते होता है। तो इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की, और हम लोग दल बल के साथ लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि अब खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है किसी को। आप गोली बंदूकों का जमाना नहीं है, गोली बंदूक, ये देश आजाद हो चुका है, सारे अपने ही भाई हैं। बस ये है कि गुमराह हैं वो, नकारात्मक बातें करते हैं, अच्छी बातों की तरफ नहीं भागते हैं। इसलिए बच्चों को, बच्चों से पूछिए ना आप उनके मोबाइल में क्या क्या है, आप कल जाके वो मुसीबत बन जाए आपके लिए। और देखिए डिप्रेशन, जो कोरोना काल में डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए ये शुरू किया गया कि कोरोना काल में कम से कम कम्युनिकेशन हो, कोई हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें। बातचीत आजकल बहुत कम हो रही है, नकारात्मक चीजें की चर्चा होती है उसको रोकने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और फेसबुक लाइव में आप जब भी जुड़े, ये फेसबुक लाइव कोई साधारण नहीं है, ये ऐतिहासिक फेसबुक लाइव होने जा रहा है। 100वां अंक आपने कहीं देखा है इस तरह से शो करके और एक सकारात्मक भारत की कल्पना करते हुए, कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। मैंने कई लोगों से बातचीत की कि इस तरह का शो के रूप में नहीं किया जाता है, तो ये एक अलख है, अलख जगाया जा रहा है, ये एक आंदोलन के रूप में है, ये अभियान से भी बड़ा चीज है और इसको समझना पड़ेगा। इसलिए शेयर करने में अगर आप कोताही कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक भारत आंदोलन को आप चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये विचार क्रांति है, ये विचार क्रांति है, वैचारिक क्रांति इसको कहें, और ये वैश्विक स्तर पर अपना काम करेगी आने वाले दिनों में, वैश्विक स्तर पर यह काम करेगी। इसलिए और अब काफ़ी देर हो चुका है लेकिन लोग जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी हो रही है कि आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों से कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, वन बाय वन जो है आप लोगों को वीडियो में लेंगे, अभी तक नहीं हो पाया है। आप अपने, जब भी आप आरजेएस की फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं तो अपने विचार लेकर जुड़िए, अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए। आपके जो भी विचार हैं उसका स्वागत है, क्योंकि उसमें उन विचारों पे काम किया जाएगा। जैसे आज एक विचार आया मुकेश भटनागर जी के थ्रू, हरीश कुमार शर्मा जी के थ्रू, सभी आरजेएस फैमिली हैं, उन्होंने लिखा कि मुख्य पृष्ठ पे संपादकीय आना चाहिए या उन चीजों को जो छूट जाते हैं समाचार पत्रों में वो चीज भी आनी चाहिए, और मुद्दे पे बात होनी चाहिए और खूब होनी चाहिए।
और नई पीढ़ी को शामिल कीजिए। आप अपने घर के बच्चों को अगर शामिल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले ऐसा हुआ ही नहीं है और ऐसी चीज़ हो रही है तो वो उन तक पहुंचना चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी जो है 95वां दिन करके एक देश की जिम्मेदारी जो होती थी और 5 साल तक सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़कर हमने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे, चरैवेति। और अब आप लोगों से अनुमति लेकर बहुत ही विनम्रता के साथ और एक मुस्कान के साथ कल सायं 8 बजे ज़रूर उपस्थित होंगे, कोशिश करेंगे और आप लोग भी जुड़िएगा। और एक इसके साथ साथ एक चीज़ और घोषणा पहले भी की गई है, 20 नवंबर को विशेष फेसबुक लाइव विशेष अंदाज में होगा। इसी तरह से नहीं होगा जिस तरह से आज हुआ है, कल हुआ है, हो रहा है, इसी अंदाज में नहीं होगा, कुछ विशेष अंदाज में होंगे। और विशेष जो पत्रिका निकल रही है PDF जो है वो आप सबको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने नंबर दिया है उन लोगों को ये पत्रिका भेज दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इस पे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आप ही उद्घाटन करेंगे। इसके लिए कोई VIP वगैरह नहीं है, आप ही VIP हैं, फेसबुक फ्रेंड्स और RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS फैमिली, जो लोग यहां जुड़ेंगे वो उस पत्रिका के बारे में कमेंट करेंगे कि कैसी पत्रिका है और आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि अगली बार आपकी बातों को उसमें शामिल किया जाए। इतना ही बात कहते हुए आप सभी से बहुत ही अच्छा लगा और आप सबों को जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को जो भी जुड़े, जो भी अपना समय दान कर रहे हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कमी जो है सकारात्मक भारत आंदोलन को चोट पहुंचाती है, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, आपने समय दान दिया है, उसके साथ साथ शेयर दान भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपके शेयर करने से ये बातें अगर दूर तक पहुंचेंगी तो आप ही सशक्त होंगे। आपकी बातें RJS पॉजिटिव मीडिया को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी ही बातें और लोगों तक पहुंचेंगी, आपके पास भी पहुंच जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि RJS पॉजिटिव मीडिया आपकी ही बातों को दूर तक पहुंचाना चाहता है, राष्ट्रीय मंच देना चाहता है, इसी की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। तो आइए जय हिंद जय भारत के साथ ही आज इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल सायं 8 बजे पुनः आप लोगों से रूबरू होंगे। उदय मन्ना को अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।